नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस समय बीजेपी पार्टी में हड़कंप मच गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गुट को 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 सीटों का आंकड़ा पार करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के आने के बाद बीजेपी पार्टी में भूचाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह की एक पोस्ट के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है। पोस्ट में आईपी सिंह ने कहा कि नीतीश हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे, जय सीताराम। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि कांग्रेस नेतृत्व तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल के नेतृत्व के संपर्क में है। खास तौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क किया जा रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। 300 सीटें पाने में बीजेपी को संघर्ष करना पड़ रहा है। बता दें कि इंडिया गठबंधन को भी अब की बार अच्छी सीटें मिली हैं और वे नीतीश कुमार से और दोस्तों चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं ताकि वे सरकार बना सकें। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी सरकार में भूचाल आ सकता है और सरकार भी गिर सकती है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नीतीश कुमार को लेकर। यह चर्चा काफी तेजी से हो गई है और सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि नीतीश सबके हैं, जैसा कि आप पोस्टर में भी देख सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय रवाना हो गए हैं और 7 बजे मीटिंग बुलाई है। आपको पूरी जानकारी आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी राय कमेंट में लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।